पावर आएगी तो उसमें मिसयूज होगा। लेकिन जितना चेक और जितना सर्वेलेंस पुलिस डिपार्टमेंट पे, यानी ग्रेड 16 का जो अफसर है उसको ग्रेड 18 का अफसर नौकरी से निकाल सकते हैं। एक कॉमन सी बात करते हैं कि यार वहाँ पुलिस को देख के प्रोटेक्शन फील आ रही है, जबकि यहाँ एक इमेज ऐसा डेवलप हुआ है कि यार अब शायद मैं किसी थ्रेट में आ गया पहले शायद से, या इस और चलान करने लगेगा तो मैं फौरन फोन करूँगा उसको किसी ना किसी रेफर, मैं उसके बाद अगर ये मुझे किसी गलत काम पे पकड़ेगा तो मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाऊंगा उसके खिलाफ वायरल कराऊंगा। ठीक है, तो मीनिंग देयर बाय कि इस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की, या तो आजकल वो जो लॉ है कि जी आपने थाने में जाके या तो वो पता चला होगा कि हाँ, तो जब वहाँ बेचारा बैठा है तो पता चला जी आप 3 साल पहले रहने वाले ऐसे हैं, कुछ लोग आपके पास रेफरेंस हैं, तो आप 1 पे 50% कराएं या 10 कराएं आपकी मर्जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्शिद हसन है और आप देख रहे हैं इको मैसेज पॉडकास्ट। अगर इस्लामी तारीख की बात की जाए तो हज़रत उमर के दौर में बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई, बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हुई, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स डेवलपमेंट्स हुए जो आज तक चलते आ रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो था वो पुलिस डिपार्टमेंट था। सो अगर बरसगीर में बात की जाए तो 1947 में पार्टीशन के बाद 1948 में इंडियन इंपीरियल पुलिस के बाद जो पाकिस्तान पुलिस सर्विस जो है वो स्टार्टअप हुआ। सो तकरीबन इस 75 साल तारीख में बहुत सारे नशेब अफराज जो हैं वो मुल्क पे आए, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी ज़ाहिर है बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहे। आज हम इस मामले के हवाले में बात करेंगे, हमारे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद अयाज साहब, हम इनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके क्या व्यूज़ हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिहाज से, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो अयाज साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। सर सबसे पहले हमारे ना प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ से रही, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। जी मैं 2004 से पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा, और 31st कॉमन आप कह लें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होता है CSS का, उसको मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो सिंध में थी, कराची में मेरी पोस्टिंग रही, उसके बाद पंजाब में, और कुछ अरसा फिर मोटरवे पुलिस में मैं चला गया, और अभी कोई तकरीबन 1.5 साल पहले दोबारा मैं पंजाब पुलिस का हिस्सा बना। अच्छा माशाल्लाह, एक लंबा सफ़र आपका इस सर्विसेज में रहा है, मतलब ये आपका शौक था यहाँ आना इस जो पुलिस को ज्वाइन करना, या आप अब मतलब आपको कैसे समझते हैं कि ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद इस पुलिस सर्विस में आपको कैसा लगा? देखें इसमें एक्चुअली जो सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स हैं उसमें 3-4 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी हर बंदे को ख्वाहिश होती है, जैसे हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप है, इसी तरह पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, बाकी भी सारे बड़े अच्छे हैं। तो पुलिस जब मैंने ज्वाइन किया है तो इसका मेरिट बनता है, तो ये टॉप 2-3 में पुलिस फॉल बिल्कुल ऐसा है, तो मेरी 7th पोजीशन थी। अच्छा, तो फिर मैंने एज ए फर्स्ट चॉइस पुलिस को ज्वाइन किया था। सही, अच्छा आपने माशाल्लाह ज्वाइन किया और ये सारा सिलसिला चलता है, तो बहुत सारे मसाइल भी आते होंगे या अब हम देखते भी हैं विद इन सिटी जब हम मूव करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज भी हमें नजर आते हैं। इसमें सबसे पहला मेरा एक सवाल बनता है कि एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है हमारे पास एज ए पुलिस फोर्स, क्या वो आबादी के लिहाज से आप समझते हैं कि वो इतनी इक्विप भी है, या कह लें कि उनकी रेशो एज पर पर्सन के हिसाब से ठीक है जिससे हम क्राइम कंट्रोल करने में भी हमारी एफर्ट हो सकती है, तो एक सफ़र है आपका वो बताइएगा। देखें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपने रेशो की बात की है ये जो फार्मूला है ये 1934 के जो हमारे पुलिस रूल्स हैं उसके मुताबिक है। सही, अर्बन एरिया की पुलिसिंग के हवाले से जो फार्मूला अमूमी तौर पे कोट किया जाता है वो ये है कि 450 लोगों पे एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, और जो रूरल है उसमें इन्वेस्टिगेशन यानी जो क्राइम नंबर्स हैं उसके हवाले से होना चाहिए, लेकिन ये बदलना चाहिए। अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं पुलिस के वो मल्टीफेरियस हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सही, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग से बहुत आगे जा चुके हैं, सिक्योरिटी परसेप्शन डिफरेंट है, फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस, फिर सर्विस डिलीवरी, फिर और बहुत सारे ऐसे काम है जो पुलिस करती है। स्ट्रेंथ का कोई एज सच अभी तक मैं समझता हूँ, अगर मेरी आप पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो इसको रिवाइज होना बनता है और इस पे बड़ा काम होने वाला है, और इट शुड बी फाइनलाइज्ड आफ्टर ड्यू रिसर्च कि हमारा जो अर्बन पुलिसिंग है वहाँ पे स्ट्रेंथ
किस फार्मूले के तहत हो, सही, जो रूरल एरिया है वहां पे स्ट्रेंथ किस फार्मूले के तहत हो। तो लेकिन जनरली आप कह सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उस लेवल का नहीं है, और अगर है तो उतना स्किल्ड नहीं हो। सो इसी वे एक सवाल बनता है कि जिस तरह हम हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस के वेज हैं, अगर आप इसको क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो ज़्यादा आप कह लेंगे डिजिटल हो चुके हैं या मॉडर्न हो चुके हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है और मेथड है, सो डू यू थिंक कि वो अभी स्टिल बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, अगर खासतौर पर बात किया जाए, या हम जो इसको मॉडर्नाइज तरीकों से हम इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं? इसके सर दो हिस्से हैं। अगर तो आप मुझे डिटेक्शन के मॉडस ऑपरेंडी का पूछ रहे हैं या डिटेक्शन के हमारे टूल्स का पूछ रहे हैं, तो वो तो उसमें तो हम पीछे नहीं हैं। जो चाहिए, एक मुस्तकिल जंग है, ऐसे ही क्रिमिनल हमसे एक दो स्टेप आगे होता है, हम उसको फिर फॉलो करते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढता है, हम उन तरीकों को डिटेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। ये सदियों से यही चलता आ रहा है, ये बुराई की और अच्छाई की जंग चलती जा रही है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप इसको कहें कि इस डिटेक्शन को करने के बाद जो एक सिस्टम है कन्विक्शन तक का, यानी क्राइम एविडेंस कलेक्ट करके उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उसको अदालत से सजा हो जाए, उसमें काफी काम होने वाला है। वो बदकिस्मती से हमारा जो क्रिमिनल जैसे सिस्टम है, वो सिर्फ उसमें पुलिस का इशू नहीं है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और डिटेक्शन समटाइम्स एक दूसरे के साथ उस तरह रिकनसाइल नहीं हो पाते। फिर हमारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अलहदा है, उसके बाद हमारी जो अदालतें हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऐसे मौजूद होते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी होती हैं, जज का अपना जहन माइंड टेंडेंसीज ऐसी होती हैं, समटाइम्स हमारे जो एविडेंस देने वाले लोग हैं वो ह्यूमन जो हमारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं, उनको 10 साल बाद, 5 साल बाद या 4 साल बाद जब गवाही देनी पड़ती है जाके, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जस्ट टू नेम द फ्यू, जिसकी वजह से हमारी सजाएं उतनी नहीं हो पाती। उसमें हम बहुत काम होने वाला है, मतलब उसमें काफी, खासतौर पर यह भी है कि जो लोग लाइक गवाही देने जा रहे हैं या कुछ ऐसे जाने, वो खुद भी डरे हुए हैं एक सिस्टम की वजह से। हमारा एक प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस प्रोग्राम है, कानून भी आ चुका हुआ है, खासतौर पर जो ऐसे क्राइम है जिसमें जैसे टेररिज्म है, फिर जो नॉन कंपाउंडेबल है जैसे रॉबरी या डकैती है, उसके मेन इश्यू सिर्फ डरना नहीं है, उसमें जिन लोगों की कंपनसेशन हो जाती है वो डेफिनेटली वहां पे गवाही नहीं देने जाते। वेयर एज जो आपका है पर्सनल एनमिटीज के केसेस है, उसमें तो हर बंदा गवाही देने जाता है। सही सही। अच्छा, एक ये जो खास तौर पे अगर बात की जाए थाना कल्चर की, तो उसमें नॉर्मली ये देखा भी गया है कि लोग अंदर जाते हुए भी घबरा रहे हैं। आई मीन मतलब शुरू में जो एक इमेज डेवलप हुआ था, वो हमारी बिल्डिंग्स भी ऐसा कुछ पोर्ट्रे कर रही हैं समटाइम्स। कुछ मैंने देख रहा था पिछले दिनों आईजी साहब की एक वीडियो, उसमें उन्होंने खासतौर पर दिखाया कि कुछ ऐसे 5 स्टार्स टाइप एक मॉडल थाने बनाए गए हैं जिसमें लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अंदर जाते हुए अपनी बात कन्वे करते हुए। तो ये भी एक है कि हमारे पास शायद कोई बजट का इशू है या क्या ऐसा है कि हम छोटे छोटे इलाकों में अपने को थानों को उस तरह मॉडरेट नहीं कर पा रहे जिस तरह एज मतलब एक नीड होनी है, मतलब अंदर जाते हुए एक हॉरर किस्म की एक फीलिंग ना आ रही हो किसी को। खास अगर आप कन्विक्टेड नहीं भी हैं, आई मीन आपको कंप्लेन जमा करवाने जा रहे हैं, तब भी आप थोड़े से डरे हुए हैं कि यार अंदर जाके पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला। तो ये एक इमेज भी बिल्डअप करने की जरूरत है। देखें, इसके तीन हिस्से हैं। एक आपने बिल्डिंग की बात की है, इस पे फोकस नहीं था कि जो बंदा एक पब्लिक ऑफिस में आ रहा है और वहां पे सर्विस डिलीवरी लेने आ रहा है, तो उसके बैठने की जगह नहीं थी, उसको रिसीव करने के लिए एक स्माइलिंग फेस वाला बंदा नहीं था, बिल्कुल उसके साथ उसकी बात सुनने वाला उस तरह नहीं होता था। एक तो ये इस पे फोकस कम था, और जैसे आपने बिल्डिंग्स की बात की है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मोहसिन नकवी साहब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वफर बजट दिया है, और ये आईजी साहब का विजन था कि जो फ्रंट एंड हैं पुलिस स्टेशन के, उनको इतना वीआईपी बना दिया जाए कि हर बंदा जो वहाँ पे एज ए विजिटर और एज ए कंप्लेनेंट वहाँ पे आता है वो कम अज कम एट होम फील करे। ऐसा इसका दूसरा जो पार्ट है दैट इज सिस्टम। अब पहले ये होता था कि हमारा जो थाना ट्रेडिशनल थाना है, वहां पे जो एप्लीकेशन देते थे वो मुहर्रर को देते थे, जिसे हम स्टेशन क्लर्क कहते हैं, वो आपकी दरखास्त ले ना ले उसकी मर्जी है। आपको याद होगा कि आज से 30 साल पहले 1-5 आया,
बिल्कुल 1/5 से पहले कोई सिस्टम नहीं था कि आप पुलिस को किसी और तरीके से भी एक्सेस कर सकें, एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं ठीक है। लेकिन उसके साथ वो भी एक टेक्नोलॉजी, उस वक्त फोन ही होता था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ईमेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे और तरीके आ गए, 1/5 के अलावा 1787 है, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। अभी आज से कोई 8 साल पहले एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा सॉफ्टवेयर आया, और हमने एक पूरा सिस्टम हर पुलिस स्टेशन में बनाया, जहाँ जिनको हम फ्रंट डेस्क कहते हैं, कि कोई भी बंदा जाके, उसने ना SHO से मिलना है ना महर से मिलना है, उसने जाके अपनी दरखास्त उसको देनी है, वो टैग होती है क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है, वो पूरे पंजाब की जो कंप्लेंट्स हैं उसका एक सॉफ्टवेयर है, उसने टैग लेना है और उसने चले जाना है। मीनिंग देयर बाय कि अब वो सिस्टम इस तरह का डेवलप हो गया, और ये जो हमने थानों की हालत बेहतर की है वो भी उसी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, कि ना सिर्फ ये है कि सिस्टम मौजूद है बल्कि उसके बैठने की, उसको रिसीव करने की भी एक पैराफर्नेलिया मौजूद है, मतलब उसको लगे कि मैं किसी सेफ। तीसरा इसका एस्पेक्ट रवैया है, तो रवैया तो जाहिर है ह्यूमन रवैया। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि जो पुलिस है ना ये सोशल कंट्रोल करती है सोसाइटी में, यानी हमारा जो सबसे एडवांस सोसाइटी का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज रियासत, स्टेट। बिल्कुल। अब स्टेट का काम ये है कि उसने कुछ आपसे लिबर्टीज लेनी है, आप उसके कुछ कवानीन के पाबंद हैं, और कुछ आपको फ्रीडम्स देने हैं, ये गिव एंड टेक, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो स्टेट का वो वाला पार्ट जो सोशल कंट्रोल करता है, यानी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती करता है, वो पुलिस है। और जो जैसे टोकने वाला, जिसे आप आम अल्फाज में कहें कि हम टोकते हैं कि भाई ये ना करो, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करो, दिल तो बच्चा है ना, वो तो कहेगा जी मैंने हर कुछ ही करना है ऐसा ही, तो हमने तो टोकना है, तो वो हम अच्छे नहीं लगेंगे, फिर वो कहेंगे यार ये तो आता है और ये हमें आके रोक रहा है, ये हमें क्यों कहता है हेलमेट पहनने। अब मेरा जो ड्राइवर है उसने बेल्ट नहीं बांधनी होती, उसने बेल्ट को पीछे से गुजार के उसने उसमें वो कर दिया था कि वो टू टू ना करे उसकी, ठीक है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई ये बेल्ट जो है ये आपकी जान की हिफाजत करती है, तो फैशन नहीं है। नहीं जी, ये जी बड़ा जी बड़ा औखा काम है जी। मीनिंग देयर बाय कि हमारा तो जहन अपनी जान बचाने के लिए भी जो कानून बने हुए हैं हम उसको भी फॉलो करने की कोशिश नहीं करते, सो बेसिकली अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा ये कि इट इज समथिंग, हमारे केन्स जो हैं उन्होंने कहा है कि इट इज अ रिग्रेटेबल नेसेसिटी, कि ये एक जरूरत है बट इट इज रिग्रेटेबल। पुलिस जो है वो पूरी दुनिया में फर्म होती है, सख्त होती है, उसका खौफ नहीं होता, कानून का खौफ होता है। अब इस पे आ जाते हैं कि मिसयूज कौन करता है, ये ह्यूमन फैक्टर है, पावर आएगी तो उस पे मिसयूज होगा, लेकिन जितना चेक और जितना सर्वेलेंस पुलिस डिपार्टमेंट पे है, यानी ग्रेड 16 का जो अफसर है उसको ग्रेड 18 का अफसर नौकरी से निकाल सकता है। पूरे पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें ग्रेड 18 का अफसर ग्रेड 16 के अफसर को नौकरी से निकाल सकता। नहीं, हाँ बिल्कुल सही। ग्रेड 20 का अफसर जो है वो ग्रेड 16 को निकाल सकता है नौकरी से। तो मीनिंग देयर बाय कि इतना चेक, इतनी सुपरवाइजरी पावर्स वो किसी और डिपार्टमेंट को नहीं दी गई, सिर्फ पुलिस को दी गई है, क्योंकि इसमें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ज्यादा स्पेस और रूम मौजूद होता है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल इसमें आहिस्ता आहिस्ता इट्स पार्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन, और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस भी आएगी वो हम भी बेहतर होते जाएंगे। सही। अच्छा, हम खुद भी बाहर जाते हैं अक्सर, गए हैं बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जो बाहर जाते हैं, एक एक कॉमन सी बात करते हैं कि यार वहाँ पुलिस को देख के एक प्रोटेक्शन फील आ रही है, जबकि यहाँ एक इमेज ऐसा डेवलप हो रहा है कि यार अब शायद मैं किसी थ्रेट में आ गया हूँ, पहले शायद सेफ था, या इस तरह का कोई इमेज बिल्डअप हो रहा है, जो कि नॉर्मली वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, डेफिनेटली होता जा रहा है, बट ये एक छाप, एक कह लें कि एक वो बनी हुई है। मैं जब बाहर जाता हूँ मैं लाइन में खड़ा हूँ, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करता हूँ। मैं डर के करता हूँ या
किस लिए करता हूँ? मैं बाई ला चल। वहाँ पे बात खौफ की नहीं है, कानून की हुक्मरानी की है। यहाँ पे हम अपनी पुलिस को ये समझते हैं कि जब ये मुझे लेन डिसिप्लिन की पाबंदी का कहेगा और चलान करने लगेगा तो मैं फौरन फोन करवाऊंगा उसको किसी का, किसी ना किसी रेफरेंस। मैं उसके बाद अगर ये मुझे किसी गलत काम पे पकड़ेगा तो मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाऊंगा और उसके खिलाफ वायरल कर दूंगा। ठीक है, तो मीनिंग देयर बाय के जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की पुलिस है। हम अपनी पुलिस से भी उसी तरह की मदद, उसी तरह की हेल्प, उसी तरह की असिस्टेंस की तवक्को रख सकते हैं जब हम खुद भी कानून की हुक्मरानी को मानने के लिए तैयार। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, जिस तरह आप ऑफिसर लेवल पे जितने भी हैं इनका आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, डेवलपमेंट्स वगैरह होती रहती हैं, आप मतलब जो लोड जॉब कर रहे हैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स में, उनकी रिफॉर्म्स के लिए उनको मतलब ये चीज़ के पब्लिकली कैसे डील करना है, क्या ऐसे भी कोई रिफॉर्म्स वगैरह चलती रहती हैं? जी बिल्कुल, हमारा तो कोई टीयर ऐसा नहीं है जो वो अगले रैंक में प्रमोट ही नहीं हो सकता जब तक वो ट्रेनिंग ना कर ले। वो लोअर कोर्स हो, अपर कोर्स हो, इंटर हो, आपके हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके JCC चलते हैं, कमांड कोर्स चलते हैं, हमारे लेवल पे सीनियर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, तो हर कोर्सेज में उनके मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपको एथिक्स, आपकी जो पब्लिक डीलिंग और जो लोगों के साथ अच्छा रवैया है वो इनकल्केट किया जाता है। सही। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी जो सबसे मतलब आम सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है एज द सेम वे, FIR। अब यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये बना हुआ है कि जी FIR इंतहाई आसान है और इंतहाई मुश्किल है एट द सेम टाइम। अगर आपके मतलब जानने वाले ऐसे हैं, कुछ लोग आपके पास रेफरेंस हैं, तो आप एक पे 50 पर्चे कराएं या 10 कराएं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है और अगला बंदा एक्यूज होने के बावजूद को तगड़ा है, तो आप उसके खिलाफ FIR नहीं करवा सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे देखते हैं, मतलब आप एज ए पुलिस ऑफिसर? लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। 154 CRPC ये सेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसमें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और मैं इसको कहता हूं कि ये 1898 की 15 कॉल है, यानी 1898 में फोन नहीं होता था तो हाँ तो लोग एक फोन करते हैं, वो कहते हैं कि जी फलां जगह पे ये लड़ाई हो रही है। सही। तो उस दौर की जो 15 कॉल थी वो क्या थी कि आपने थाने जाके बताना होता था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी होती थी कि जनाब ये इंसिडेंट हो गया। हम अगर उसको उसी स्पिरिट में लें तो कोई मसला ही नहीं है। अब 15 की कॉल होती है, 15 की कॉल पे हमारा बंदा जाता है, वहां पे जाके वो उसी 10 मिनट के बाद उसी वायरलेस मैसेज वो करता है कि जी यहाँ पे ये जो कॉल थी ये झूठी थी। 154 के बाद अगर आप 157B पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा इंफॉर्मेशन लेता है पुलिस वाला, वो मौके पे जाता है, वो कहता है कि यहाँ पे इंसिडेंट नहीं हुआ, तो वो कह दे कि नहीं हुआ। अब हमारी 15 की 90% कॉल झूठी होती है, उस पर FIR नहीं। अब FIR रजिस्टर जो बन गया है, जो कि पुलिस रूल्स का हिस्सा है, यानी 154 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है, हमारा रूल है जो पुलिस रूल्स का, जो कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, हमने उसको सेक्रेट बना दिया है। सही। हमने नहीं, सिर्फ पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि एक इंफॉर्मेशन को हमने इतना सेक्रेट बना दिया है कि हम उसको सच मानते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है, जो ये इंफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल सच्ची है। सही। अगर इसके अलावा कोई चीज, हालांकि आपने इंफॉर्मेशन ले दी, असल जो उसकी रियलिटी है वो तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने बतानी, जो वहां पे गया है। अगर वो इंसिडेंट हुआ है, उसने वहां का नक्शा बनाना है, उसने उसको कॉर्डन ऑफ करना है, उसने ट्रेस एविडेंस लिफ्ट करनी है, उसने वहां पे जाके लोगों के बयानात लेने हैं और उसने अपनी ओपिनियन देनी है। सही। मीनिंग देयर बाय कि हमने खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर। हाँ, तो ये FIR शुड बी 154 शुड बी ट्रीटेड एज 15 कॉल। इसमें हमारे जो प्रोसीजरल लॉज हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, उसमें चेंज होनी चाहिए कि इसको हर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करें लाइक 15 कॉल, और उसमें से वो वाली इंफॉर्मेशन जो एंटरटेनेबल नहीं है उसको मौके पे पुलिस अफसर के पास अथॉरिटी, जो कि मौजूद है, एक्सरसाइज भी होती है, उसको मानता कोई नहीं है, वो कहे कि जिस पे मजीद प्रोसीड नहीं करना। सही। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट में मैं आगे बात पूछना चाहूंगा आपसे। FIR किसी के खिलाफ लोग अक्सर जो देखने में भी हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता, वो बैक एंड पे उसको 3 FIR हुई हुई हैं, और कुछ लोग तो
जान के ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं कि जी एफआईआर करनी है लेकिन बताना नहीं है, होल्ड करना है ताकि वो काम केसेस होते हैं, काम केसेस हैं। कई दफा होता है कि लोग एफआईआर करवाते हैं फिर उसको इश्तिहारी करवा देते हैं और उसको पता उस वक्त चलता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा अपना कुक था, वो बेचारा कोई एफआईआर उसके हुई भी थी वो उसको पता नहीं था। उसने जब नए घर जाके शिफ्ट किया तो आजकल वो जो लॉ है कि जी आपने थाने में जाके तो वो पता चला होगा कि हाँ, तो जब वहां बेचारा बैठा है तो पता चला जी आपके खिलाफ तो 3 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई हुई थी। ये बहुत कम है, ये वैसे शायद आपके चूंकि पर्सनल नॉलेज में है तो आप, दिस इज नॉट अ नॉर्म। क्योंकि जब एफआईआर कोई करवाता है किसी पे तो 99% केसेस में तो वो करवाता है इसलिए कि उसको तंग किया जाए। अगर झूठी झूठा नाम भी है तो वो तो तफ्तीशी को कहता है कि जाके इसको पकड़े। कोई एक आधे परसेंट में जिसमें कई दफा कोई अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं कि बंदों को एफआईआर करवा के खामोशी से इश्तिहारी करार दिलवा दें, क्योंकि जब आप पीओ हो जाते हैं यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी जो फ्रीडम्स हैं वो कम हो जाते हैं, कोई भी आपको पकड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये रेयर केसेस हैं। सही। अच्छा, अब थानों में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी SHO जो है वो बादशाह है, वो एक, आप भी ज़रा एक एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर इस चीज़ को देखते भी होंगे आउट ऑफ द वे जो मुख्तलिफ लोग बातें भी करते हैं, इस इमेज को कैसे आप प्लान कर रहे हैं या क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं? SHO देखें जी एक ऑफिसर इंचार्ज, एक्चुअल इसका लीगल नाम है, और जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो किसी भी पुलिस स्टेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल हेड होता है। लाइक मैं एक डिस्ट्रिक्ट का हेड हूँ, अगर कोई रीजन का हेड है तो वो रीजन का हेड है, और जो पूरे सूबे का हेड है वो IGP है। तो बादशाह वाली बात एक बंदे की नहीं है, बात ये है कि ये लीगल अथॉरिटी है। जैसे मैंने कहा कि हम सोशल कंट्रोल करते हैं तो हमें कन्फर की गई हैं कुछ पावर्स, लेकिन वो रियासत की पावर्स हैं जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं। सही। तो जाहिर है कि जब आपके पास ये पावर होगी कि आप अरेस्ट कर सकते हैं तो वो एक ऐसी पावर है जो हर महकमे के पास नहीं है, वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और खास तौर पे जो पुलिस है वो सबसे मेन उसके पास है। तो SHO के पास भी है, वो उसके नीचे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास भी है, और उसके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भी है। तो बादशाह वाली बात कोई नहीं है, हमारे पास जितनी भी अथॉरिटीज हैं या पावर्स हैं वो हमें कानून ने कन्फर की हैं और हम उसके मुताबिक ही उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। एक कॉन्सेप्ट हमने खासतौर पर पाकिस्तान में भी देखा है खुली कचहरी का, कि आल्दो की ये बड़ा बेनिफिशियरी भी है सारा है, लेकिन हमें इस स्टेज पे जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम इसको ओपनली, मतलब ऐसी क्या एम्बिग्विटीज हैं जो हम इस नौबत पे आ गए? नॉर्मल दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, खासतौर पर हमारे में किया जा रहा है, प्लस तो है इसका, बट इसका कॉन्सेप्ट पीछे है क्या? खुली कचहरी भी 90s का कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो लोग करते हैं मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा हम उसको एक नॉर्म के तौर पे चला रहे हैं। अब तो आपकी एक्सेसिबिलिटी, मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरे गुजरांवाला के पास है। सही। और पीपल सेंड मी मैसेजेस, दे कंप्लेन, दे सेंड कंप्लेंट्स, यानी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का SHO उसके नंबर सबके पास है। सेकेंडली दफातर खुले हुए हैं, अभी टाइम है शाम का, हम 8-9 अमूमन बज जाते हैं, थाने तो 24 घंटे खुले हुए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ ये जो एक स्टेज्ड खुली कचहरी है, स्टेज्ड मीनिंग अक्सर हम देखते हैं, आप जाते हैं कि जी मैं जी सीनियर अफसर आया हुआ है तो वहां पे ये लोग इकट्ठे करें, तो वो मोस्टली अंजमन सताइश बाहमी होती है। मैं तो ज़ाती तौर पर इस चीज के वैसे खिलाफ हूँ, सारा दिन ही खुली कचहरी है, यानी ऑल द डे आई एम अवेलेबल and my all my senior and junior officers they are available, they are accessible. आप जो मर्जी जिस टाइम, मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि लोग कहेंगे जी हमने टाइम लेके जाना है। ये कौन सा बैंक है जिस पे टाइम लेके आना है? हम रात को जितने बजे तक बैठे हुए हैं वी आर अवेलेबल फिजिकली, और थाने मेरे 24 घंटे अवेलेबल है, और लोग रात को आपको मैसेज कर देते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सही। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं, मेरे कुछ पर्सनल दोस्त जो हैं वो USA में हैं, तो वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो अगर लेट्स सपोज कोई एरिया में कुछ ज़रा सा भी थ्रेटन हो, ये इस तरह का हो, तो इवन वो पाकिस्तान से गए और उनके पास वहाँ का कोई रेजिडेंसी नहीं है, बस विजिट पे गए, तो फिर भी हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर थ्रेटन जारी होते हैं। आई मीन पूरी फैमिली को पता चल रहा होता है कि जी फलाने एरिया में कुछ ये वाकया हुआ है, लिहाजा बी अवेयर। हाँ, ये देखें ये PTA से बात मेरे ख्याल में किसी लेवल पे हुई भी है कि जो हमारे लोकल वो आ जाता है, वो आपके बीपर्स आ जाते हैं, वो आपके वो होना चाहिए, ये भी एक टेक्नोलॉजी का टूल है। और ये अगर तमाम मोबाइल फोन कंपनी से बात करके और PTA से बात करके कि जितने भी
थ्रेट्स हमने अगर इशू करने हैं तो वो फौरन तमाम टेलीफोन्स पे आ जाया करें, तो ये अच्छा अच्छी सजेशन है, ये होना चाहिए। सही सर, इसमें इमेज बिल्डअप में ख़ास तौर पे पिछले कुछ 5-7 सालों में खासा पुलिस ने काम किया है। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए पुलिस की या इसलाह वाले से, ताकि और बिल्डअप अच्छा हो और लोगों को एक इमेज कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा पॉजिटिवली चला जाए? जितनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पिछले एक साल में हमारे जो करंट आईजी हैं इन्होंने करवाई है हमसे, तमाम यूनिट से, वो पिछले जब से सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है 10-15 साल से नहीं हुई थी। अभी ये हाल है कि जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी और जगह पे, इवन टिकटॉक पे, सही, तो हम भरपूर तरीके से वहाँ पे मौजूद हैं। सही, हमारे तमाम ऑफिसर्स, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, पुलिस स्टेशन के इंचार्जेस जिसे आप SHO हम कहते हैं, SPs, SDPOs, हम तमाम के तमाम किसी ना किसी हवाले से सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं। हमारे IGP खुद मौजूद होते हैं। सही, और ये इस चीज की जरूरत को महसूस किया गया कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है अब वो केटर फॉर नहीं कर रहा, जो नौजवान तबका है दे आर ऑन सोशल मीडिया, और उन तक आपने पहुंचना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उसका एक ही तरीका है कि आप इन तमाम हैंडल्स पे खुद मौजूद हो। तो अभी तो बहुत इस पे काम हो रहा है। सही, मैं लास्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, मुझे बताएं आप खुद कितना मुतमिन हैं इन सारी सर्विसेज से, जो आप खुद जॉब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपको लाइफ दोबारा चांस दे तो आप क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमने जहाँ पे अल्लाह ने हमारा रोल लिखा हुआ है हमने वहीं जाना होता है। डेफिनेटली, शायद आपने सोचा भी नहीं होता तो आप उस प्रोफेशन में आते हैं, और फिर जब आप सोचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरे मिजाज और मेरी जो जहाँ तक मुझे पता है अपना, उसके लिए पुलिस बेहतरीन एक प्रोफेशन था। सही, और अल्लाह का करम है कि इसमें जितना भी कोशिश करते हैं लेकिन स्काई इज द लिमिट। जो इत्मीनान तो खैर दिल में होता ही है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है मेरे अपने अंदर भी और महकमे के अंदर भी। सही सर, थैंक यू सो मच, आई नो यू आर रनिंग ओवर योर टाइम और आपने जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आपने टाइम दिया हमें और सारी बातें की। सो आई होप नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर किसी आपके साथ मुलाकात होगी और मजीद टॉपिक्स पे ज़रा एलैबोरेशन से बात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।